आप सबको जय माता दी। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो मैं सपना एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लिस प्लेटिना 3 बैंड का DL384 मॉडल का रेडियो। बहुत ही अच्छी कंडीशन में और एकदम वर्किंग कंडीशन में है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये है रेडियो की बैक साइड, यहाँ पे लगते हैं इसमें सेल। ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, एकदम गुड कंडीशन में और बहुत ही प्यारा मॉडल है। इसमें 3 बैंड है, मीडियम, शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2। सबसे पहले हम इसमें मीडियम ऑन करेंगे, फिर शॉर्ट वेव 1 और शॉर्ट वेव 2। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। हमारे जनपद में सोनभद्र में 3,55,000 की टारगेट ली गई है 2011 की संस्था के साथ, और इस टारगेट की स्क्रीनिंग फ्री ऑफ कास्ट हो रही है। स्वस्थ मेरे जो है सुरगर में हमारे जितने भी ब्लॉक लेवल पर CHO हैं, LP हैं, ग्राम स्तर पर के भोजन पचाने की प्रतिक्रिया में काफी मीथेन यानी CH4 पैदा करते हैं। सर, हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप सब जानते हैं अपने पशुओं की देख વિવિધ માંગણીઓ ઉપર ખેડૂત સંઘના આગેવાનો સાથે વાતચીત થઈ। ખેડૂત આગેવાનોમાં જગજીતસિંહ દલ્લેવાલ, સરવણસિંહ પંડેર અને જનરલસિંહે બેઠકમાં ભાગ લીધો। બેઠકમાં જાગૃતતા કી જરૂરત હૈ? બહુ જરૂર, બહુ બહેતરીન સવાલ આપકા હૈ। સિકલ સેલ એનિમિયા કી જાગૃતતા હી ઇસ બીમારી કો એલિમિનેટ કર સકતા હૈ। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है 2047 तक सिटी सरगमिया को एलिमिनेट करना, पूरे इंडिया से जो है इसको मुक्ति दिलाना है। और इस मुक्ति दिलाना दूध भी अधिक देगा, कम खाएगा और चिकित्सक का खर्च भी कम होगा। बिल्कुल जी का बिल्कुल ठीक समझे। और आपके फार्म उद्योग द्वारा திறமை மிகவும் தலை சிறந்ததாக உள்ளது. தொன்மையான சீனா சிந்தனையை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். சீனா செழுமையான வலிமையான பாதையில் நடை போடும் போது அதன் பண்பாட்டு ஆற்றலின் ஆதரவையும் காண முடிகிறது.
சிங்ஹான்தாவோ என நகரவில் ஆப்பாந்து தரகாஸ் சிங்தாவ நகரி ருவால் குரு தரங்காஸ் சார் میسازند هزاران سال خدمت دارد با اعتقاد برن است که فواید بیشماری از تخلیت خون تا کمک به خواب و تخلیت باروانی دارد اما तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐप रिकॉर्डर या रेडियो के साथ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपकी अपनी FM रेडियो क्वीन सपना राजपूत के साथ। तो जय माता दी दोस्तों।